सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। बुलबुल और वीर का रोमांस। बुलबुल ने अपने थानेदार साहब को लगाया नजरों से टीका। कलर्स टीवी के आने वाले शो बलम थानेदार में आपको देखने को मिलेगा बुलबुल थोड़ी हैरान और परेशान है। दरअसल उसके थानेदार वीर को किसी केस के सिलसिले में कॉल आता है और ये केस काफी टफ और काफी अलग होता है। बुलबुल सुनती है और अपने थानेदार को लेकर परेशान हो जाती है। फिर क्या, वो अपनी नजरों से अपने थानेदार वीर को टीका लगाती है ताकि इन्हें किसी की नजर ना लगे और ये जैसे घर से जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही सही सलामत वापस आए। यानी बुलबुल और वीर का ये आंखों आरोखों वाला रोमांटिक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। अचानक से फिर बुलबुल को याद आता है कि वो भी 18 की नहीं हुई है, तो ऐसे में वो अपने वीर के साथ रोमांटिक बातें नहीं सोच सकती। खैर, यहाँ पर आप देखेंगे बुलबुल वीर को एक बास्केट देती है और कहती है इसमें हलवा बनाया है, इसे जरूर खा लीजिएगा। इतना कह के वो शर्मा के भाग जाती है। वीर उस लंच बॉक्स को उठाता है, गाड़ी में रखता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। तो वो क्योंकि फिर वो अगेन वो जोन में चला जाता है, लेकिन क्योंकि अभी भी बुलबुल को ये चीज़ पता है कि वो नाबालिग है, वो ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकती थानेदार सा के, तो जब वो उनके ज़्यादा क्लोज आने लगती है तो वो बोल देती है अपनी मस्ती से कि ये टिफ़िन मैंने आपके और आपके साथियों के लिए भेजा है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, पेट में गुड़गुड़ होने लग जाता है। तो वो देती है और वो स्पेशली थानेदार सा के लिए हलवा बनाती है जो सिर्फ उनके लिए होता है, तो वो देती है। बहुत सारे ट्विस्ट है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, कॉलेज से रिलेटेड होगा कुछ कुछ और यहाँ घर में भी कुछ कुछ हो रहा होगा, तो हाँ फुल ऑन एंटरटेनमेंट होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग मेरा बालम थानेदार 9:30 कलर्स। आई थिंक जितने लोग भी मुझे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं आपकी वजह से, कई बार अगर मेरा दिमाग नेगेटिव भी हो जाता है तो वो कमेंट्स पढ़ के मैं और पॉजिटिव हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप ऐसी पॉजिटिव कमेंट्स करते रहिए। अगर शो में कहीं मुझसे या कुछ भी थोड़ी बहुत भूल भी हो गई तो बस आप फिर भी अपना प्यार देते रहिए सबको, हमारे शो को और हमारा शो देखते रहिए। आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू ऑल, थैंक यू।